अध्याय 14 भगत सिंह का पत्र। पत्र अध्ययन से पूर्व। मेरा रंग दे बसंती चोला, माय रंग दे बसंती चोला। पत्र का मूल तत्व शिक्षक शिक्षिका बच्चों को मातृभूमि पर न्योछावर के लिए प्रोत्साहित करें। पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आजादी हिंद के उसूल के लिए वक्फ हो चुकी है, इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बाय से कशिश नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञ वीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है, लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतीक्षा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफी फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। दिल्ली जेल 26 अप्रैल 1929। पूज्य पिताजी महाराज वंदे मातरम। अर्ज यह है कि हम लोग 22 अप्रैल को पुलिस की हवालात से दिल्ली जेल से मुतंकील कर दिए गए थे और इस वक्त दिल्ली जेल में ही हैं। मुकदमा 7 मई को जेल के अंदर ही शुरू होगा। गालिबन एक माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम हुआ कि आप तशरीफ लाए थे और किसी वकील वगैरह से बातचीत की थी और मुझसे मिलने की कोशिश भी की थी, मगर तब सब इंतजाम ना हो सका। कपड़े मुझे परसों मिले। मुलाकात आप जिस दिन तशरीफ लाए हो सकेगी। वकील वगैरह की कोई खास जरूरत नहीं है। दो एक अमूर पर थोड़ा सा मशविरा लेना चाहता हूँ, मगर यह कोई खास अहमियत नहीं रखते। आप खामखा ज्यादा तकलीफ ना कीजिएगा। अगर आप मिलने के लिए आए तो अकेले आइएगा। वालिदा साहब को साथ ना लाइएगा, खामखा वो रो देंगी और मुझे भी कुछ तकलीफ जरूर होगी। घर के सब हालात आपसे मिलने पर मालूम हो सकेंगे। हाँ, अगर हो सके तो गीता रहस्य नेपोलियन की मोटी सवन है जो आपको मेरी कुतुब में मिल जाएगी, अंग्रेजी की कुछ आला नॉवल लेते आइएगा। वालिदा साहिबा, भाभी साहिबा, माता जी, दादी जी के चरणों में नमस्कार। रणवीर सिंह और कुलतार सिंह को नमस्ते। बाबूजी, दादाजी के चरणों में नमस्ते अर्ज कर दीजिएगा। इस वक्त पुलिस हवालात और जेल में हमारे साथ निहायत ही अच्छा सलूक हो रहा है। आप किसी किस्म की फिक्र ना कीजिएगा। मुझे आपका एड्रेस मालूम नहीं है, इसलिए इस पते कांग्रेस दफ्तर पर लिख रहा हूँ। आपका ताबेदार शब्दार्थ यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ संस्कार, मुंतकील अर्थात स्थानांतरण, बाईसे कशिश अर्थात आकर्षक, खिदमत अर्थात सेवा, अमूर अर्थात विषय, ख्वाहिशात अर्थात इच्छाएं, खामखा अर्थात बेकार में उच्चारण करें, अहमियत हवालात, निहायत फिक्र, उसूल खिदमत वतन सवान है, शिक्षण संकेत शिक्षक शिक्षिका बच्चों को भगत सिंह का जीवन परिचय देते हुए उनको अन्य पत्रों के बारे में भी बताएं। अभ्यास कार्य जरा बताइए। प्रश्न एक, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, भगत सिंह ने पत्र किसके नाम लिखा था? उत्तर, भगत सिंह ने पत्र अपने पिता के नाम लिखा था। ख, भगत सिंह ने किस जेल से पत्र लिखा था? उत्तर, भगत सिंह ने दिल्ली जेल से पत्र लिखा था। ग, आपका ताबेदार भगत सिंह ने किसको कहा? उत्तर, आपका ताबेदार भगत सिंह ने स्वयं को कहा। घ, भगत सिंह के साथ जेल में कैसा सलूक किया जा रहा था? उत्तर, भगत सिंह के साथ जेल में निहायत ही अच्छा सलूक किया जा रहा था। जरा लिखिए। प्रश्न दो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, भगत सिंह ने अपने पिता से कौन सी पुस्तकें लाने का अनुरोध किया था? उत्तर, भगत सिंह ने पिता से गीता रहस्य, नेपोलियन की मोटी सवान है और अंग्रेजी की कुछ नॉवल लाने का अनुरोध किया। ख, भगत सिंह ने अपने पत्र को किसके पते पर भेजा? उत्तर, भगत सिंह ने अपने पत्र को कांग्रेस दफ्तर के पते पर लिखा। ग, भगत सिंह ने जेल में किसको साथ न लाने को कहा? उत्तर, भगत सिंह ने जेल में वालिदा साहिबा को साथ न लाने को कहा। घ, भगत सिंह किस वक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे? उत्तर, भगत सिंह खिदमत वतन पर वक्त होने वाले वक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रश्न तीन, किसने कहा किससे कहा? क, उम्मीद है आप मुझे माफी फरमाएंगे। उत्तर, भगत सिंह ने अपने पिता से कहा। ख, आप खामखा ज्यादा तकलीफ ना कीजिएगा।
उत्तर, भगत सिंह ने अपने पिता से कहा। ग, इस वक्त जेल में हमारे साथ अच्छा सलूक हो रहा है। उत्तर, भगत सिंह ने अपने पिता से कहा। प्रश्न चार, उचित कथन पर सही का चिन्ह लगाइए। क, भगत सिंह ने पिता से गीता उपदेश मंगवाए। उत्तर, सही। ख, भगत सिंह पर मुकदमा 26 अप्रैल 1929 को हुआ। उत्तर, गलत। ग, भगत सिंह अपना घर स्वयं छोड़ने के लिए मजबूर हुआ। उत्तर, सही। घ, भगत सिंह ने अपने पत्र में महात्मा गांधी को बापूजी कहा। उत्तर, सही। प्रश्न पाँच, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ? 6 जून 1674, 10 मई 1780, 5 जून 1520, 3 फरवरी 1674। उत्तर, 6 जून 1674। जरा सोचिए। प्रश्न छः, भगत सिंह पर किस घटना के आरोप में मुकदमा चलाया जा रहा था जिसके कारण उन्हें कारावास और मृत्युदंड की सजा सुनाई गई? कक्षा में चर्चा कर लिखिए। प्रश्न सात, भगत सिंह ने अपने दूसरे पत्र में क्या लिखा होगा? शिक्षक शिक्षिका के साथ चर्चा करते हुए अपने शब्दों में लिखिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न आठ, दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। क, कोशिश। उत्तर, कोशिशें। घ, उसूल। उत्तर, उसूलों। क, जरूर। उत्तर, जरूरतें। घ, हालात। उत्तर, हालात। ळ, तकलीफ। उत्तर, तकलीफें। च, वकील। उत्तर, वकीलों। प्रश्न नौ, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क, अच्छा। उत्तर, बुरा। ख, खास। उत्तर, आम। क, फिक्र। उत्तर, बेफिक्र। घ, जिंदगी। उत्तर, मृत्यु। ळ, उम्मीद। उत्तर, ना उम्मीद। प्रश्न दस, दिए गए शब्दों के वाक्य बनाइए। क, जिंदगी। उत्तर, सदैव जिंदगी जिंदा दिली से जीनी चाहिए। ख, प्रतीक्षा। उत्तर, कल सोहन ने रोहन की प्रतीक्षा में सारा वक्त निकाल दिया। घ, माफी। उत्तर, हमें गलती होने पर दूसरों को माफ कर देना चाहिए क्योंकि क्षमावान होना व्यक्तित्व का सर्वोच्च गुण है। घ, उम्मीद। उत्तर, मूर्ख लोगों से बुद्धिमानी का कार्य करने की उम्मीद रखना मूर्खता है। प्रश्न 11, दिए गए शब्द समूहों में से उचित स्थान पर विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। क, पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर और प्रोफ सी वी रमन भारत के महापुरुष हैं। ख, मेरा बचपन क्या यह कल की बात है? ग, गांधी जी ने यंग इंडिया 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। घ, मनुष्यत्व को मानो, पशु बनाना छोड़ो और आदमी बनो। प्रश्न 12, दिए गए संधि विच्छेद से शब्द बनाइए। क, सत्य, आग्रह। उत्तर, सत्याग्रह। ख, मात्र, ऋण। उत्तर, मात्र ऋण। ग, परि, ईश। उत्तर, प्रवेश। घ, परम, ईश्वर। उत्तर, परमेश्वर। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 13, दी गई पंक्ति का भावार्थ लिखिए। क, बापूजी ने मेरे यज्ञ पवित को वक्त ऐलान किया था। ख, मेरी जिंदगी चुनकर आराम और दुनियावी बाई से कशिश नहीं है। ग, गालिबान एक माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। प्रश्न 14, अपने भाई को एक पत्र लिखिए जिसमें भगत सिंह की जीवनी के कुछ अंश हों। प्रश्न 15, भगत सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका किस तरह अदा की? कक्षा में चर्चा करते हुए जानिए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 16, मातृभूमि के लिए कुर्बान होना मूल सिद्धांत होना चाहिए। आप मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी भूमिका किस तरह अदा करना चाहेंगे?